हे गाइस, वेलकम बैक टू इंग्लिश स्टडी सेंटर। कैसे हैं आप लोग? होप यू ऑल आर डूइंग वेल। मैं आज आप लोगों के लिए कुछ इंग्लिश सेंटेंसेस लाई हूँ, आइए देख लेते हैं। अच्छा लगता है इसे आप बोलना चाहते हैं तो आप कह सकते हैं इट साउंड्स गुड, इट साउंड्स गुड। और धीरे बोलो, स्पीक मोर स्लोली। अगर आप किन्हीं को और धीरे बोलने बोल रहे हैं तो आप कुछ इस तरह से इस बात को कह सकते हैं। फैसले की इज्जत करो, रेस्पेक्ट द डिसीजन, रेस्पेक्ट द डिसीजन। दोस्त बनाओ, मेक फ्रेंड्स, मेक फ्रेंड्स, दोस्त बनाओ। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। मुझे माफ करना, एक्सक्यूज मी, मुझे माफ करना, एक्सक्यूज मी। आप कुछ इस तरह से इसे कह सकते हैं। दुखद है, इट्स सैड, इट्स सैड। आप कुछ इस तरह से अपने एक्सप्रेशन को एक्सप्रेस कर सकते हैं। समय मायने रखता है, टाइम मैटर्स, समय मायने रखता है, टाइम मैटर्स। कोशिश करते रहो, कीप ट्राइंग। अगर आप किन्हीं को कह रहे हैं कि कोशिश करते रहो तो आप कह सकते हैं कीप ट्राइंग। दोबारा सोचो, इसे आप कह सकते हैं थिंक अगेन, थिंक अगेन। अगेन का मतलब दोबारा होता है। मुझे कामयाबी चाहिए, आई वॉन्ट सक्सेस, मुझे कामयाबी चाहिए। इसे आप कह सकते हैं आई वॉन्ट सक्सेस। बहुत बढ़िया, वंडरफुल, बहुत बढ़िया। इसे आप कह सकते हैं वंडरफुल। इसे दोबारा कहो, से इट अगेन, से इट अगेन। आप कुछ इस तरह से इसे कह सकते हैं। विश्वास के साथ काम करो, वर्क कॉन्फिडेंटली। अगर आप किन्हीं को ये कहना चाह रहे हैं तो आप कुछ इस तरह से कह सकते हैं। बिना झिझके बोलो, स्पीक फ्रेंकली, स्पीक फ्रेंकली। आप कुछ इस तरह से इस बात को बोल सकते हैं। अभी निपटारा करो, डिसाइड नाउ। अभी निपटारा करो, इसे आप कह सकते हैं डिसाइड नाउ। थोड़ा इंतज़ार करो, वेट फॉर सम टाइम, थोड़ा इंतज़ार करो, वेट फॉर सम टाइम। आप कुछ इस तरह से इसे कह सकते हैं। बचपन से, इसे आप कह सकते हैं सिंस चाइल्डहुड, सिंस चाइल्डहुड। गुस्सा मत हो, डोंट गेट एंग्री, डोंट गेट एंग्री। आप कुछ इस तरह से इस बात को कह सकते हैं। यह बहुत बढ़िया विचार है। अगर किन्हीं का विचार आपको बहुत अच्छा लगता है तो आप कह सकते हैं इट्स अ ग्रेट आइडिया। हौसला मत हारो, डोंट फील लो, डोंट फील लो। आप कुछ इस तरह से कह सकते हैं। तो दोस्तों, ये थे आज के स्पोकन इंग्लिश सेंटेंसेस। मैं आशा करती हूँ कि ये आपके डे टू डे लाइफ में काफ़ी हेल्प करेंगे।